हाईवे किनारे अवैध रूप से सालों से पत्थरों की टाले चल रही हैं। बताया गया है कि यह कार्य बगैर लाइसेंस के ही चल रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर अवैध पत्थर की टालों पर जांच कर कार्यवाही की मांग की है। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गल्ला मंडी के आसपास हाईवे के किनारे बगैर लाइसेंस के इमारती पत्थर का कारोबार यहां वर्षों से चल रहा है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि यह गोरख धंधा खनन विभाग की मिलीभगत से चल रहा है। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश व राजस्थान के कई प्रांतों से यह इमारती पत्थर लाया जाता है। ना इसका टैक्स जमा किया जाता है, ना ही इसकी रॉयल्टी, जिससे सरकारी राजस्व के लाखों करोड़ों का चूना लग रहा है। इसकी शिकायत रामनगर मोहल्लेवासियों ने जिलाधिकारी से करते हुए कार्रवाई की मांग की है जी। और यहाँ पे हम डीएम साहब के विज्ञापन देने आए हैं कि यहाँ पे जो नवीन गल्ला मंडी के पीछे जीवन जैन है, वो पत्थर इमारती पत्थरों के विक्रेता वगैरह हैं, वो अवैध रूप से पत्थर वगैरह खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से मंगाते हैं ये पत्थर वगैरह पूरा और बेच रहे हैं। ना तो रॉयल्टी देते हैं, टैक्स वगैरह देते हैं, लाइसेंस वगैरह की उनका कोई वो है नहीं, और कब्जे कब्जा आप सब करके बैठे हैं। ये लोग पहले भी एक दो बार कार्रवाई के लिए किए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसलिए डीएम साहब के फिर से आए हैं हम लोग। नहीं, लाइसेंस कुछ नहीं है इनका, लाइसेंस वगैरह ना रॉयल्टी टैक्स कुछ दे भी नहीं रहे हैं लोग। ललितपुर से शिपू राठौर के साथ अशोक सैन की रिपोर्ट।